हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हम लोसन कर रहे थे, लोसन का आज थर्ड डे है। तो थर्ड डे में हम अभी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं आज। तो हिस्ट्री में देखते हैं कहाँ तक हमारा हो गया था, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो हम देखते हैं अभी हम कहाँ थे। हमारा ये हो चुका था, ये सब हो गया जो हाईलाइट कर रखा है। गाइस आप भी ज़्यादा हाईलाइट कर लिया करो, तो अभी आपको समझ में आएगा, ताकि आप 45 डेज और आराम से रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा वैदिक पीरियड से नहीं हुआ ना? ओके ओके ओके, हम वैदिक पीरियड से स्टार्ट करते हैं। हमने वैदिक के बारे में इंट्रो दे दिया था। हम यहाँ पे थे, ऋग वैदिक के बारे में पढ़ने वाले थे। ऋग वैदिक अर्ली दो टाइप में डिवाइड होता है ना, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है प्री वैदिक, एक होता है पोस्ट वैदिक। तो हमने जनरली पढ़ लिया था उसके बारे में, वैदिक के बारे में, लेकिन इसके प्री एंड पोस्ट के बारे में अभी पढ़ना रह गया। ठीक है, ये पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। देखते हैं कितना होता है आज, जितना भी होता है जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर दूंगी, साथ साथ आप भी हाईलाइट करते रहना। तो हम पढ़ते हैं अभी ऋग वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड। याद रखना, अर्ली वैदिक पीरियड को ही ऋग वैदिक बोलते हैं। क्यों ऐसा इसलिए बोलते हैं? क्योंकि ऋग वैदिक इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इन ऑफ दिस पीरियड। इस टाइम पे जो वेद है, कौन सा वेद? ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे पहले आया था ऐसे मानते हैं। और तो उस टाइम पे सिर्फ ऋग्वेद ही मानते थे, नॉलेज को प्राप्त करने के सिर्फ एक ही सोर्स था, कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, इसलिए इस पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे माउंटेन्स के नाम में कुछ कुछ जो आर्यंस वगैरह जो है ना गाइस, वो हिंदू कुश हिमालय से आए गए हैं, माउंटेन से आए थे ऐसा मानते हैं। अब इसमें और कुछ इन्वॉल्व नहीं है, बस हिंद कुश। ये याद रखना कि जो आर्यन पीरियड में जो भी आर्यंस हैं वो सब यहाँ से, इस माउंटेन से पास होकर आए थे। ऋग्वेद में कितने रिवर्स मेंशन करे गए हैं? 40 रिवर्स, ये याद रखना, 40 रिवर्स याद मेंशन किए गए हैं। एग्जाम में देखो, एग्जाम में ये आई थिंक आया हुआ है, पता नहीं, लेकिन एग्जाम में ये आ सकता है ऋग्वेद में कितने रिवर्स मेंशन किए गए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो गंगा है, जैसे सबको पता ही है गंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर आता है। अब ऋग वैदिक के जो पीपल हैं उनको अपने आप में आर्यंस कहते हैं, क्योंकि आर्यंस वगैरह जो है हिंद कुश से आए हैं। वो माने जाते हैं कि सप्त सिंधु कौन से रिवर के पास से आए? सेवन बताया था, इससे पहले आपको बताया था, सप्त सिंधु यानी कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स से मिलके आए हैं। और वो कहाँ पे है? हिंद कुश यानी कि अफगानिस्तान के साइड से आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे मानते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द मोस्ट मेंशन रिवर कौन से? सिंधु सबसे अच्छा माना जाता है, अच्छा मतलब पवित्र बोलते हैं ना, वैसे माना जाता है। सरस्वती, गंगा, ये सब मानते हैं, यमुना। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा सिंधु नदी जो है बहुत ज़्यादा मान्यता है इनका। इसके अलावा गाइस एक वॉर भी हुआ था, 10 रजन वॉर, इसमें ये है द बैटल ऑफ 10 किंग है। इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं, इतने सारे वॉर हैं हिस्ट्री में तो वो तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसके अलावा ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी नहीं। ये सब सिंधु को मॉडर्न डे में क्या बोलते हैं, ये सब नहीं पूछेंगे गाइस। ठीक है, एग्जाम में ये सब नहीं आ सकता। हाँ, कुला मतलब फैमिली होता है, आपको पता होगा जो कुला होता है फैमिली होता है। ग्रामा मतलब विलेज, कुला मतलब फैमिली, विस मतलब क्लैन, ये इसलिए बता रही हूँ ये एग्जाम में आता है। ठीक है, जना मतलब द पीपल, इसमें से आ जाता है, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे द फैमिली मतलब क्या होता था, कुला ग्रामा विस जना, तो आपको पता होना चाहिए कुला होता है। राष्ट्र मतलब द कंट्री। ठीक है, हिंदी वर्ड्स हैं, मोस्टली हिंदी एंड संस्कृत वर्ड है, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। तो यहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, वहाँ पे बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। ऋग्वेद में सोसाइटी कैसी थी? ऋग्वेदिक सोसाइटी कंपेस्ट फ्रॉम वर्ना, 4 वर्ना से बना हुआ है, जैसे जैसे कि आपको बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 अलग अलग वर्ण से बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपको कास्ट सिस्टम नहीं दिखता था यहाँ पे भी। ठीक है, ये वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम नहीं है। कास्ट सिस्टम जो है वो पोस्ट वैदिक में दिखता था हमें, जैसे टीचर्स एंड प्रिस्ट व ब्राह्मणास, जो भी टीचर्स वगैरह जो पुजारी वगैरह होते हैं वो ब्राह्मणास में आते हैं। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ये याद रखना ऐसे एग्जाम्स में आएंगे, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हाईलाइट नहीं करती, जो इंपॉर्टेंट है वही हाईलाइट कर रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्षत्रिय हैं, और जो बैंक एंड मर्चेंट्स जो हैं वो वैश्य हैं, और आर्टिस्ट लेबर वगैरह जो हैं वो शूद्रास हैं। ठीक है, तो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर रखा था, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था।
तो उस टाइम पे ऐसे कास्ट सिस्टम तो नहीं होते थे, लेकिन अभी ऐसा है, कास्ट सिस्टम हो चुका है। जैसे यहाँ पे देखो, आई एम सिंगर, माई फादर इज फिजिशियन, माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, अभी ऐसा है कि पापा पापा कुछ हैं तो बेटा भी वही बनता है, फिर उनका बेटा भी ऐसे ही बनता है। सेम धर्म के होते हैं, सेम इस कास्ट के होते हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं है। जिसको जिसमें एबिलिटी है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, मतलब टीचर है उनके बेटे को फार्मर में इंटरेस्ट है तो फार्मर बन सकता है। ठीक है, तो आर्टिस्ट में इंटरेस्ट है, आर्टिस्ट बन सकता है। तो इस टाइम पे ऋग्वेदा में ऐसे ही था। ठीक है, मतलब प्री वैदिक में ऐसे ही सिस्टम चलता था। और मोस्ट ऑफ द जो सोसाइटी है वो पुरुषवादी थी। ठीक है, पैट्रियार्कल थी। उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट अलाउड, चाइल्ड मैरिज वगैरह नहीं होता था उस टाइम पे। और विडो का री मैरिज भी हो सकता था, किन से, यंगर ब्रदर से, जिनके हस्बैंड के यंगर ब्रदर से करवा देते। और फादर की प्रॉपर्टी सन को इनहेरिट होती थी। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे। और प्रॉपर्टी में क्या क्या मानते थे, कैटल, हॉर्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ये सब मानते थे। और द होम ऑफ द टीचर वॉज स्कूल, हाँ ये सब तो नॉर्मल था। हाँ, मिल्क, गाय को बहुत पवित्र मानते थे क्योंकि वो हमें बहुत कुछ प्रोडक्ट देता है, जैसे कि मिल्क और उसके प्रोडक्ट कर्ड, बटर, घी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम के डाइट में। मतलब वहाँ पे जितने भी उस टाइम के लोग थे सब मिल्क कर्ड, दही, घी, ये सब खाते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो देर इज ऑल्सो मैंशन ऑफ ग्रेन कुक्ड ऑफ मिल्क। हाँ, इसके अलावा मीट ऑफ फिश, बर्ड्स, एनिमल्स भी खाते थे। मीट में क्या क्या खाते थे, फिश, बर्ड्स, एनिमल्स खाते थे उस टाइम पे। और काऊ को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए उसको किल नहीं करना ये बोल दिया था। अगर ऋग्वेद में ये भी बोला गया, अगर काऊ को मारेंगे तो उसका पनिशमेंट भी मिलेगा। अल्कोहल उस टाइम पे भी पीते थे, सुरा एंड सोमा, ये याद रखना, सुरा एंड सोमा उस टाइम पे कंजम्पशन करते थे ड्रिंक का। उस टाइम से ही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अभी कैसे रोक सकते हैं बताओ, ऋग्वेद से चलता हुआ आ रहा है। गाइस, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा हम वही करेंगे, क्योंकि हमें 45 डेज का हमने टारगेट रखा है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंगे हम। जैसे यहाँ पे देखो, देयर आर 33, नियरली 33 गॉड्स। ठीक है, उस टाइम पे ना नियरली 33 गॉड्स थे, उनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं आएंगे गाइस। ठीक है, देखो मैं क्रॉस भी कर रही हूँ, चाहे तो अब एग्जाम में इसमें से कुछ आ गया ना, आप कमेंट बॉक्स में ही आप मेरे को बता देना। ठीक है, एग्जाम में से जो मैं क्रॉस कर रही हूँ, क्रॉस या जिसमें मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, उसमें से कुछ भी क्वेश्चन पुटअप करने का कोई चांस ही नहीं है, आने का भी चांस नहीं है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अग्नि द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, हमेशा तो ये पूछ लेते हैं कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे, उस टाइम पे इंदिरा थे। ठीक है, एग्जाम में आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ सकते हैं, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन है, अग्नि। अब वरुणा जो है वो किस चीज़ के लिए, पर्सनिफाइड फॉर वाटर, पानी के वो है, गॉड है, सूर्य, सन है। और सावित्री और गॉड ऑफ लाइट, ये सब आ सकता है। ठीक है, ये मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ ये सब आ सकता है। मित्रा और सोलार गॉड, ठीक है, पुषण और गॉड ऑफ मैरिज, और विष्णु और गॉड विच कवर्ड अर्थ इन थ्री स्टेप। इसके अलावा हाँ, नास्तिया और गॉड ऑफ हेल्थ, यंग, इमोरलिटी। ठीक है, अदिति अ ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स, सिंधु रिवर गॉड, गॉडेस। ये सब हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये सब जो दे रखे हैं गॉड के बारे में, कौन कौन से गॉड है। उस टाइम पे ऐसे ही प्रे करते थे, मूर्ति पूजा उस टाइम पे होती नहीं थी, ये सबसे बढ़िया था, इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। सूरज जो जो हमें देते हैं, जैसे सूरज है, वाटर है, इन सब की नेचुरल चीज़ों की पूजा होती थी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ ऋग्वेदा रिलीजन वॉज हेनोथिज्म। हेनोथिज्म मतलब बहुत सारे गॉड में बिलीव रखना, लेकिन सब एक एक में एक एक चीज़ हाईएस्ट होना। ठीक है, ऐसे पीछे हमने देखा था, इंद्र भगवान का देखा था हमने, सूर्य भगवान का देखा था, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है, सब अपने अपने में टॉप लेवल पे हैं। ठीक है, तो उस रिलीजन को क्या बोलते हैं, हेनोथिज्म बोलते हैं। तो रिलीजन को हम हेनोथिज्म नाम देते हैं। इनका इकोनॉमी कैसा था, नोमेडिक स्टेज था उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैटल वगैरह चलता था, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब तो एग्जाम में कैसे पूछेंगे, एग्जाम में तो आएगा भी नहीं ये सब तो। हाँ, लेकिन ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे कैट और कैमल जो है वो फेमिलियर नहीं थे, उस टाइम पे नहीं पाए गए थे। तो टाइगर भी नहीं था उस टाइम पे।
हाँ लेकिन लाइन, एलिफेंट, वो ये सब पता चल चुके थे, ठीक है, ऋग्वेदा में। एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है, तीन चार एक साथ दे देंगे, उसमें से एक ऑड वन आउट होगा, तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे गाओ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो हैं वो उसके लिए वैल्यू था, मीडियम मीडी ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी सामान को अदल बदल करना है तो उसके बदले उस टाइम पे मनी तो था नहीं, तो हम काउ या गोल्ड को वो करते थे, एक्सचेंज करते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था, ठीक है। इस टाइम पे बस यही था, ये ओसीपी कल्चर था, ओसीपी कल्चर, ये याद रखना बस, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्री वैदिक यहाँ पे खत्म होता है। आगे चलते हैं गाइस, लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में इसमें ज्योग्राफिकल एरिया गाइस इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। इसमें क्या क्या मेंशन किया गया, ये सब तो एक हर जगह अलग अलग जगह पे है, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इन स्पेस में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, भागा दूधा, कलेक्टर ऑफ टैक्स को क्या बोलते हैं, भागा दूधा बोलते हैं, ये एक एग्जाम में आ सकता है, ऐसे ऐसे टिपिकल वर्ड्स जो है तो आपको लगेगा भी नहीं आ सकता है, लेकिन आ सकता है, ये मैंने एग्जाम में देखा है, ठीक है। कलेक्टर ऑफ टैक्स को क्या बोलते हैं उस टाइम पे, भागा दूधा बोलते हैं, हाँ ये आ सकता है, कुरियर का, ठीक है, एग्जाम में अभी तक आया तो नहीं है, एक ये आ सकता है, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं है इसमें आने का, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो यही है, ये एग्जाम में आया भी है। पुरोहित कौन होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, ठीक है, महिषी द क्वीन होती हैं, ग्रामिणी हेड ऑफ द विलेज, बस इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। इसके अलावा गाइस एक्चुअली पता है क्या, पॉलिटिक्स, पॉलिटी और सोसाइटी, ये सब जो है ये सब ऋग्वेदा में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पॉलिटी सोसाइटी वगैरह जो है एक नॉलेज के बेस में जान सकते हो, जैसे चार, हाँ इसमें देखो ये थोड़ा सा देख सकते हो नॉलेज के लिए, गोत्रा में डिवाइड कर दिया था क्लैन को, इसमें द हायर कास्ट कुड मैरी द मैरी विद द लोअर वन, बट मैरिंग विद शूद्रास वर नॉट परमिटेड, ठीक है, शूद्रास मतलब हमने चार में डिवाइड किया था, उसमें से सबसे लास्ट में कौन था, शूद्रास था, तो ये तीनों तो एक दूसरे से शादी कर सकते थे लेकिन इनके साथ ही शादी नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ सोसाइटी आ चुका था यहाँ पे, तो ऐसे वही कास्ट सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू मैत्रियानी, ये थोड़ा सा देख लो, देयर आर थ्री इविल्स, लिक्विड मतलब शराब, अल्कोहल, वुमेन एंड डाइस, इन तीनों को इन्होंने मैत्रियानी ने बोलते एविल है मतलब दुश्मन है, और तो यहाँ पे मोस्टली मोनोगैमी चलती थी, ठीक है, और ये टाइप ऑफ मैरिज है, ये ऐसे पढ़ने के लिए ये सब एग्जाम में नहीं आएगा गाइस आपका बिल्कुल भी। ये वैदिक कल्चर पढ़ के ना पूरा आपका नॉलेज गेन होगा उस टाइम पे कैसा होता था, ठीक है, इस पर मैं अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है हर एक चीज़ को, मेरे हिसाब से प्री वैदिक पोस्ट वैदिक का ना आपको एक बार मेरे वीडियो देख लेना चाहिए, वो हार्डली 10 से 15 मिनट का वीडियो है, आपको वो देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है एग्जाम में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, आगे के चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट धीरे धीरे आते हैं। इसमें इकोनॉमिक भी देखो, इसमें देखो एग्जाम में ऐसे तो कभी पूछेंगे नहीं कि इसको रिप्लेस करके इसको रखते हैं, ऐसे नहीं पूछ सकते, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे तो कुछ भी। तो इसके अलावा यहाँ पे ये पी जी डब्ल्यू पीरियड था, ये कल्चर था यहाँ पे, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। बस गाइस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे महाजनपद पीरियड से, क्योंकि यहीं से असली हिस्ट्री स्टार्ट होती है। प्री वैदिक पोस्ट पीरियड में ये है, हमें पहले के पास्ट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कुछ थोड़ा सा ब्रीफ है, उसमें से जितना बताया मुश्किल से हार्डली आता भी है तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, और 1 मार्क्स में जो मैंने हाईलाइट किया ना बस उसी में से आएगा, उसके अलावा कुछ आने की कोई चांस नहीं है, वैसे तो कोई आता ही नहीं है उसमें से, हार्डली आता है तो 1 क्वेश्चन आ जाता है मात्र, तो वो जो हाईलाइट करवाया मैंने तो उसमें से ही आएंगे गाइस, ठीक है, तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसमें टाइम लगेगा और यहाँ से आपको एक एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, एक चीज़ मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, हम डेली 45 डेज का टारगेट रख रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था, हमारे 3rd डे है, आप कंटिन्यूएशन में रहो, वैसे ही 45 डेज में कंप्लीट करो, और लास्ट टाइम पे आप मत अटको गाइस, लूज एंड को खत्म कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इजिली 10 से 15 मार्क्स इजिली गेन हो सकते हैं जितने भी आ रहे हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शेयर करना मत भूलना गाइस, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके, बाय बाय।